नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्नेक मैन हरियाणा में। और हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट स्कूल जबाड़ा के अंदर। यहाँ हमें एक सांप होने की सूचना मिली है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम उसी तरफ जा रहे हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जहाँ हमें सांप होने की सूचना मिली है, और बच्चों के अंदर उत्सुकता, भाई सांप निकलेगा। बेटा मास्टर ने बुला के लिया। चलो जी, देखो इसी में हाँ, पूछ रही है, पूछ। दोस्तों सांप देख लिया गया है हमारे द्वारा। और दोस्तों ये सांप एक जो साइंस रूम है, साइंस रूम के अंदर सांप है। हाँ जी, साइड ले लो। पता मारे बच्चों, शांत हो जाओ बच्चों। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जबाड़ा के अंदर, जो जबाड़ा गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय जबाड़ा। और एक रेड स्नेक प्रजाति का सांप हमने अभी काबू किया। और दोस्तों ये वो जगह है जिसको विद्या मंदिर बोलते हैं, स्कूल जिसको बोलते हैं। बच्चों आवाज नहीं, भाई कोई नहीं बोलेगा। और दोस्तों शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा जिसके पास है समझो कि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें सही समय पर और सही फैसला लेने के लिए जागरूक करती है। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसके पास शिक्षा है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप कोई दान करें तो किसी बच्चे को, गरीब बच्चों को कापी किताबें पढ़ने के लिए ला कर दें, तो समझो कि आपने उसको जिंदगी भर के लिए एक हथियार दे दिया है। तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो एक बार गुरु जी आइए, सामने आइए। तो सर हैं, इन्होंने हमारे पास कॉल की थी। क्या नाम है सर अपना? दिनेश कुमार है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? संस्कृत टीचर हैं। तो अभी हम स्कूल में आए, सांप पकड़ा, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? आज बच्चों ने विज्ञान कक्ष में जब वो कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक सांप दिखाई दिया, उसके लिए हमें
पहली बार में ही आने के लिए हम ही मेम्बर ही बल्कि तुरंत स्कूल में भी पहुँचे और बच्चों में जो सांप के कारण डर का माहौल था तो दोस्तों उसको तुरंत उन्होंने पकड़ कर ठीक किया। मैं अपने स्कूल स्टाफ की तरफ से सभी बच्चों की तरफ से अपनी तरफ से सतीश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वो इस सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्राणी को बचाया भी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। तो दोस्तों अभी बच्चों के अंदर एक डर भी था लेकिन एक उत्सुकता थी और समय पर आके सांप को हमने काबू कर लिया। जल्दी इसको जंगल में छोड़ देंगे। और सांपों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा।